गाड़ी की तलाशी लेनी है। सुब्रमण्यम कौन है वो, जल्दी बताओ, सुनाई नहीं दिया? तू ही वो है ना बारा? बोला ना बारा, शायद तुझे पता नहीं, डीसी का नाम सुनते ही लोगों के पतलून गीले हो जाते हैं, डिपार्टमेंट भी हिलता है। नीचे आ, तेरे को लेके जाना है। किधर? स्टेशन में। किस लिए? एक लड़की ने तेरे खिलाफ कंप्लेन किया है। मेरा? कौन लड़की? आ जा। वही है सर। सुन लिया ना, अब नीचे आ। चल उठ रहे। बोलिए। यही है वो सर, यही है। इसकी वजह से मैं उठ नहीं पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, खा नहीं सकती हूँ, पी नहीं सकती हूँ, सो भी नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ सर। सुना ना, तूने क्या किया? क्या सर, आप भी इस पागल लड़की की बातों में आ गए? इसकी बात बिल्कुल मत मानिए, ये जो भी बोल रही है सब कुछ झूठ है। मैं सच कह रही हूँ सर, चाहिए तो इनसे पूछो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, यही है वो, यही है वो, यही है वो। सर मेरी बात मानिए, ये लड़का पहले से ही ऐसा है, दिल लेना जानता है पर दिल देना नहीं जानता। तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। यहाँ पे दादागिरी दिखा रहा है तेरी, तो तूने मेरे को हाथ लगाया? मार डाला, मार डाला। मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, पुलिस वालों का भी दिन खराब चल रहा है, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। नकली पुलिस वाला है, रुक, तेरे को तो मैं देखता हूँ, कितना पैसा दिया रहे तेरे को, रुक, नकली पुलिस वाला बनता है। रुक, माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे इसी बात का इंतजार था। ये ड्राइवर साहब का घर है ना? हाँ, लेकिन आप कौन है? घर में कोई और बड़ा है क्या? क्या आपको मैं दिखाई नहीं दिया? दूसरा कोई? बुलाता हूँ। आप लोग? वैसे आप हमें नहीं जानते, ये मेरी वाइफ है। नमस्ते। और ये नमस्ते। मेरा बेटा शक्ति। नमस्ते। और ये मेरी बेटी है। हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आपके पास आए हैं, अंदर चल के बात करें। आइए, चलिए, कोई बात नहीं, आइए बैठिए ना आप लोग, मैं अभी आया। लड़का तुम्हारे लिए। ए। देख बेटी, तेरे दिल में जो भी है बता देना। डैडी, आप जैसे सोच रहे वैसा कुछ नहीं है, मैं इन लोगों को जानती तक नहीं, पहले सब पूछ तो लीजिए, बिना सोचे समझे अंदर बैठा दिया। लेकिन मेहमान को? कोई बात नहीं, अब उनसे पूछिए वो किस लिए आए हैं। यहाँ आने का मकसद? सर गलत मत समझना, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 4,500 की मेरी नौकरी है, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे नहीं जानती है। एक दिन बस में उसे एक आदमी बहुत परेशान कर रहा था, तब उसने उसको अच्छी सबक सिखाई थी, उसकी ये हिम्मत मुझे अच्छी लगी, ऐसी अच्छी गुणवान लड़की मेरी जिंदगी में आई, यही मेरा सपना है, इसलिए आपके घर सीधा रिश्ते की बात करने आ गया मैं। थोड़ा साइड हो जाइए। बाइक है तुम्हारे पास? बाइक नहीं है? क्या आदमी है, अभी भी थोड़ा बचपना है। ओह, आप लोग मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए, मैं आपका आभारी हूँ। डैडी एक मिनट, मैं बस अभी आया, आप लोग बैठिए। बेटी सब सुन लिया ना तूने, अब क्या इरादा है? हाँ सुन लिया, बात करने से पहले एक बार सोच तो लेते। बेटी कैसी बात कर रही है? तुम चुप रहो माँ। लेकिन तुम ऐसे कोई भी मुंह उठा के चले आएंगे तो आप मेरी शादी कर दोगी? बेटी तू क्या कह रही है? डैडी आप जाकर उन्हें ना कह दीजिए, वरना मैं कह दूंगी। बुरा मत मानिएगा, मैं उसका बाप हूं ना, इसलिए कुछ भी कह देती है। आपकी इजाजत लिए बगैर हम लोग यहाँ पर आ गए, हो सके तो माफ कर दीजिएगा, चलते हैं। अच्छा अच्छा,
समुंदर का पानी कितना अजीब है ना, जितना भी देखो जी नहीं भरता है, चाहे छोटे हो या फिर बड़े हो, किसी के भी पैरों को जब यह समुंदर का पानी छूता है तो बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा महसूस होता है ना, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? उधर देखो ना, जितनी दूर तक नजर जाती है सिर्फ पानी दिखता है, पानी ही पानी। इतने बड़े समुंदर में जब दूर एक जहाज दिखता है तो छोटा सा लगता है। तुम कुछ बोलते क्यों? ए! अरे रे भागो रे, मैं नहीं आऊंगा, मैं गलत गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, तेरी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। ए, तुम्हारा नाम काव्या है ना, इसलिए तुम पकाने के लिए हमेशा कविता पढ़ती रहती हो, कविता समंदर नजारे। पुलिस का नाटक करके मुश्किल से मेरे को मना कर लाई हो पागल लड़की, तो फिर समंदर की बात करके टाइम क्यों खोटी कर रही हो? अपन को देख ले, एकदम लोकल लड़का हूँ, सादी भाषा समझ में आती है। क्यों, ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, अपन अलग है। मारपीट करने को बोलना, मार मार कर चीर डालूंगा किसी को भी, मेरे को जो रोकेगा उसको भी। क्या तुम किसी को भी मारोगे? हाँ। मुझे मारो ना। ए, 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 सॉरी सॉरी, ऐसे ही मार दिया, जानबूझ के नहीं, ऐसा ही हूँ मैं, मुझे कोई कहता है तो मैं बिना सोचे कुछ भी कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, कुछ भी कर लेते हो? हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। सर। यस मिस्टर शक्ति, क्या इसी प्रेस में काम करते हैं? हाँ, बुलाता हूँ। शक्ति से मिलने के लिए यहाँ कोई लेडी आई हुई है। चाय पियोगे ना? आओ। सुनो, दो कटिंग देना। हाँ सर। तुम चलो, मैं आता हूँ। शक्ति, मुझे आपसे बात करनी है। बस इसके लिए ऑफिस से यहाँ तक आई हो? अरे पहले चाय तो पियो। शक्ति, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे बाप रे, उस दिन के बारे में मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा था पर मैं भूल गया। दरअसल वो, मैं शादी नहीं कर सकती। तुम सीरियल देखती हो ना, पहले हीरोइन भी ऐसी बोलती है। क्या शक्ति, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी सीरियस होके कह रहा हूँ, सीरियल में भी ऐसे ही होता है, उसके घर में भी मेरी ही तरह रिश्ता लेकर जाते हैं, उसके घर वाले उसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल देते हैं। हम जैसी लड़कियों के दिल में एक अच्छे इंसान की बीवी बनने का सपना होता है, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना भी मेरा कर्तव्य है। हमारे दो वक्त के रोटी के लिए मेरे डैडी बहुत मेहनत करते हैं, तुम नहीं जानते। आज उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है ताकि हम कुछ बन पाए, परिवार की जिम्मेदारी उठा पाए, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, अब पढ़ाई कर रहा है, बस एक साल बाद मेरे डैड रिटायर हो जाएंगे। अगर इसके बीच में मेरी शादी हो गई तो मेरी जिंदगी तो आराम से कटेगी, मगर हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और इस बात को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। नहीं शक्ति, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने तो मेरा हाथ मांग लिया, लेकिन मेरे डैड को सहारा कौन देगा? इनकार की बस यही वजह है। मैं इस दुनिया के अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोचा आप सीरियल की हीरोइन की तरह बात कर रही हैं।
लेकिन आप तो वाकई बहुत सीरियस निकली। चलती हूँ। सुनो, एक मिनट, इन केस आपका भाई बदलकर घर की जिम्मेदारियां ले ले तो? सोचेंगे। बेशर्मों की तरह सर झुका के क्यों खड़े हो? जिस काम के लिए गए थे वहां से मुंह काला करवा के आ गए? क्यों, उसकी वाट लगाने गए थे और खुद की ही लगवा के आ गए? नहीं भाई, वो शेर की तरह गरजते हुए गया था, कुत्ते की तरह धूम दबा के भागा, तेरी जिंदगी पर थू है। नहीं भाई, हम उसको मामूली लड़का समझे थे, लेकिन वो तो कोई और ही निकला। ए, कहानी मत सुना, अभी देखना सूरी सूरज डूबने से पहले उस लड़के का सूरज डुबा देगा। ए, बंडिया गाड़ी निकाल। सुनो, एक प्लेट बढ़ा दो भाई। दरा ये सुनो, का बासी है क्या? ए भाई सुनना, इधर आ। मेरे को बुलाया? सोच रहा था किधर से आवाज आ रही है। तू अच्छा लड़का, ऐसा बिहेव क्यों करता है? मैं आपको अच्छा लगता हूँ? क्यों? मेरे डैडी मुझे जिस नाम से पुकारते हैं उसी नाम से आपने पुकारा, इसीलिए। मैं तेरे जैसा ही हूँ, ना ही मेरा कोई बड़ा भाई है और ना ही कोई मेरा छोटा भाई, इसीलिए। खैर छोड़ो यार, बहन जी मेरा भाई आपको पसंद है क्या? मजाक मत करो। सब समझता हूँ, पूरा दिन कॉलेज में साथ में ही रहते हो। भाई मेरे चुप करना, बोल दो, सोच क्या रहे हो? देखो बहन जी, तुम्हारे दिल में जो भी बात है खुल के बोल डालो, वरना ट्रेन छूट जाएगी। तुम लोग का हीरो आ? बता रहे? ए, बोल कहाँ है तेरा हीरो? मुझे नहीं मालूम। बोल। मेरे को जाने दो, वो लफड़ा करने को आया, वरना इधर आ जाएंगे। तू बैठ, मेरी बात सुन। मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मेरे को जाने, मेरी बात सुन। देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तुम लोग इसको लेके जाओ, मैं देख लूंगा सब कुछ। जाने दे, जा जा, एक बार जाने दे। चल। ए, बोलेगा कि नहीं? बोल, बोल रहा है? तेरी बोल, बोल किधर है? ये हमारे कॉलेज का ग्राउंड है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू कौन होता रहे? ए, जिस तरह से तुम यहाँ चिल्लाकर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हो, वो तुम्हारे लिए गलत होगा। ये कॉलेज है। ए, 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 फूट यहाँ से। भागा मत लेना, मत लेना, भाग। देख बोल रहा हूँ, पंगा मत ले। कर लेगा, देख भारी पड़ेगा तेरे को। पंगा मत ले, देख लिया ना, मेरे साथ पंगा लेने का यही नतीजा होता है। सुन मेरी बात, मैं बोल रहा हूं जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। सुन मेरी बात, शांत हो जा, शांत हो जा, मैं कह रहा हूं तुम्हें। कह देना अपने लीडर से, मेरे गिरेबान पर हाथ डालने का यही अंजाम होता है। तेरी छोड़ो, रुक जा, देख, रुक जा, रुक जा। कोई एक कदम भी नहीं हिलेगा, उस बदमाश को इधर आने दो, मैं तुम्हारे सबके सामने उसे खड़े खड़े चीर डालूंगा, देखना, हिलना मत। क्या हो रहा है सब? एक आदमी की जान लेकर तमाशा देख रहे हो, लफड़ा कर रहे हो? होशियारी नहीं चाहिए, यहाँ से तो भाग ले, बोला ना, भाग। शहर पट्टी नहीं चाहिए, भाग। वरना एक ही घूसे में जमीन की धूल चटा दूंगा। अपने बाप को बोल दे
जल्दी से इधर आए और आकर मेरा सामना करे। बोल जाना। गाड़ी ले चलो। क्या रे, क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या मैं उसके सामने झुक जाऊं? कह देता हूं ये नहीं होगा। समझने की कोशिश करो। ए, सारी दुनिया सूरी की सुनती है और तू चाहता है मैं तेरी सुनूं? बेवकूफ जैसी बातें मत करो। ए, सारी दुनिया को मैं टोपी पहनाता और तू मेरे को टोपी पहनाएगा? ए, भूल गया वो दिन जब तू रिश्वत लिया करता था? हम दोनों ने मांडोली की थी जब मैंने 4 रेप किए थे, याद है ना तुझे? 10,000 दिए थे 4 मर्तबा। जाके बोलूं क्या सबको? मैं समझाया जा रहा हूँ और तू बके जा रहा है? लड़की की इज्जत लूटने के बाद बचाने के लिए थोड़ा सा रिश्वत लेता था तो इसका मतलब तू सर पर चढ़कर नाचेगा और कुछ भी बोलेगा? सुन ले एक बात, तू पुलिस वालों को नहीं जानता। वो उस इलाके का बादशाह है, बीच सड़क में लाश को रखकर चट्टान की तरह खड़ा है। कॉलेज के ग्राउंड के अंदर एक आदमी की जान लेकर मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। घर के अंदर छुपने से तेरी जान बच जाएगी। पूरे शहर का ट्रैफिक जाम है, तू अगर चुपचाप मेरे साथ इज्जत से नहीं चलाना तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा और ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ए, देख लूंगा, देख लूंगा। ए, तेरे बाप का राज है, तेरे बाप का राज है। अगर तू चुपचाप नहीं चला तो 1500 स्टूडेंट तुझे खा जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप मेरी बात मान जा। 1 महीने के लिए अंदर हो जा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। चल। इसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, इसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाना है। ये स्टूडेंट्स का मामला है इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने इसको अरेस्ट किया, अब इज्जत से सब लोग खामोश हो जाओ, कानून इसका फैसला करेगा। चला चल गाड़ी में बैठ। तो क्या करूं? जब ये 10 महीने का था तब मैं इसको यहाँ लेकर आया था, इसी की खातिर मैं इसे यहाँ से बचाकर
ले जा रहा हूँ, जहाँ सुकून मिले वहीं बसेरा कर लूंगा, संभाल लाओ।